सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी क्लिक कीजिए ताकि क्वालिटी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 118 ऐप जो है वो इंडिया में बैंड हो चुके हैं, या 118 जो ऐप है वो चाइनीज ऐप है, उसमें से जो है पबजी मोबाइल भी जो है बैंड हो चुकी है इंडिया में। तो ये क्यों बैंड हुई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सो गाइस, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले जो है एक फैसला आया है कि चाइनीज़ जो ऐप है, 118 चाइनीज़ ऐप जो है इंडिया में बैंड हो चुके हैं, उसमें से जो है पबजी मोबाइल भी जो है वो बैंड हो चुकी है। कई यूट्यूबर्स थे जो गेमिंग करते थे पबजी, उनको भी जो है बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है 118 ऐप जो है वो बैंड हो चुके हैं इंडिया में। 118 ऐप में से जो है पबजी मोबाइल भी जो है उसमें शामिल है। पबजी भी जो है दोस्तों इंडिया में बैंड हो चुकी है। ये क्यों हुआ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि थोड़े दिन पहले जो है फिर से इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी में जो है लद्दाख बॉर्डर पर कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है पबजी मोबाइल और 118 ऐप जो है वो बैंड कर दिए हैं इंडिया में। इससे पहले 58 या 59 ऐप्स थे, जिसमें जो है टिकटॉक भी बैंड हो चुका है। अब जो है पबजी भी बैंड हो चुका है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जो है कुछ कमेंट्स में बोलिए कि पबजी बैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।